जैसा घर में होता है बीबी, अरे घर में डिस्कस रहेगा या फिर तुम? स्ट्रेट वे मेरे को बोल दिया, डिसाइड कर लो घर पे तुम रहोगे या फिर मच्छी। यानी सभी हॉबीज का या तो सेलर का भी बोलिए, बिल्कुल सबका हालत एक ही। एक्सट्रीम फोकस वाज दैट आई विल कीप ओनली ब्रांडेड डिस्कस ऑब्वियसली। व्हाई ब्रांडेड? एवरीबॉडी विल आस्क व्हाई ब्रांडेड, व्हाई नॉट एनी फ्रॉम एनी। फिर थोड़ा दिखाइएगा क्या क्या स्टॉक्स आए वो हम लोग को थोड़ा। इसमें आपका मिक्स दूस है, ये जो स्टॉक्स है ये सब मार्क टेन का है। इसमें आपका ब्लू कोबाल्ट है, ब्लू स्कॉर्पियन है, आपका टर्कवाइज है और आपका ब्लू डायमंड भी कुछ कुछ है। और यहाँ पे जो है ये सारे स्टॉक्स है ट्रॉपिकाना पेनांग मलेशिया का। अच्छा, ये जो है हेकेल प्लस है और इसमें एक ऑल टर्म कार्नेशन भी है, स्ट्रेट लाइन कार्नेशन एक पीस है जो ये बड़ा वाला जो साइड में जा रहा है वो वाला। और बाकी जो है ये सब हेकेल प्रोसेस है। ये तो मेरे ख्याल से टाइगर, हाँ ये वाइट टाइगर है। ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा साइज का है, ये रॉबर्ट लिम का स्टॉक है। ये हाई बॉडी इरप्शन है, पैंथर इरप्शन है इसमें, और नॉर्मल इरप्शन मतलब फेस बॉडी इरप्शन जो है वो भी इसमें है। अब देख ये इसका जैसा ये जो मच्छी आ रहा है इसका पैटर्न देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न है। ठीक है, इसका थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं। अब ये वाला जो है इसका पैटर्न देखिए, बाकी जो मच्छी है इससे थोड़ा अलग है ये वाला, ये जो है। ठीक है, ये पैंथर इरप्शन है। सबका सब आपका पूरा एकदम फ्रेश नया स्टॉक सा आया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, इसमें है हेकेल क्रॉसेस। अच्छा, ये सब हेकेल क्रॉसेस है। ये जैसा है ये ब्लू बेस में है, कुछ रेड बेस में भी है। जैसा ये आपका लेपर्ड क्रॉस हेकेल है। ओके, ये जो है वाइट क्रॉस है, ये भी स्क्रिबल से क्रॉस हुआ है, ये वाइट से क्रॉस हुआ है। ये ब्लू बेस है लेपर्ड हेकेल क्रॉस, सभी हेकेल क्रॉस का सभी सब वेरिएंट्स, हेकेल क्रॉस का वेरिएंट्स है। इसमें देखिए ये हेकेल क्रॉस है, फिर भी इसका एक ब्लू रिम भी है। लेकिन हाँ, मेरा किसी भी टैग में अभी तक मैंने लाइट नहीं लगाया, तो उसी की वजह से अब हो सकता है कि आपको थोड़ा ब्लर लग रहा है। और अभी अभी सिर्फ पानी चेंज हुआ है आप देख सकते हैं, तो उसी की वजह से वो, हाँ फिर भी मच्छी का जो रिस्पॉन्स है, अगर मैं फीडिंग दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और 10-15 मिनट बाद मैं अगर उसको ड्राई फीडिंग दूंगा तो आप देख सकते हैं कि मच्छी का रिस्पॉन्स कैसा है। ये देखिए ये एक बहुत एक्सक्लूसिव स्ट्रेन है, ये मार्क टेन का रेड रफ्लेशिया है। ओके, मार्क टेन का। और इसमें दो पीस ब्लू फेस ब्लू रिम सनमेरा भी है इसमें। सनमेरा? अच्छा सनमेरा। हाँ, अच्छा, दूर से मुझे लग रहा था ब्राउन डिस्कस। हाँ 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 हा, हा। इसका ब्लू फेस ब्लू रिम प्रोमिनेंट है एक्चुअली। और ये बाकी जो है ये सब रफ्लेशिया है। और इसका आपको देख के पता चल रहा है कि मच्छी कैसा सेट है, कैसा वो इतना सारे तीन चार बंदा सामने है, फिर भी इसको देखिए एकदम बिल्कुल कोई डर नहीं, यानी इट्स ऑलरेडी सेट, एकदम एकदम 100% सेट है। नीचे में जैसा नीचे वाला मच्छी इसको भी देखिए एकदम सामने है सब। ये जो है ये गैलेक्सी पांडा है मार्क टेन का, ये व्हाइट बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई है, ये जो है गैलेक्सी पांडा हेकल क्रॉस भी एक रख दिया मैंने इसमें। चेकर बोर्ड्स भी है, पांडा चेकर बोर्ड्स भी है, एक दो पीस रेड्स भी है इसमें देखिए थोड़ा। वो देखिए वो जो है विंसन लू का है, वो विंसन लू का तीन चार पीसेस अच्छा हुआ है। चेकर बोर्ड्स, वो चेकर बोर्ड्स है इसमें, जगुआर्स भी है एक दो पीस। अच्छा, फिर इका रेड भी। हाँ हाँ, इका रेड्स भी है, ये एक दो तीन पीस है इका रेड्स। इसमें एक पैंथेरा भी है, ये पैंथेरा एक्चुअली, हाँ हाँ हाँ, पैंथेरा सोल्ड हो चुका है। सुपर फाइन, ये एक्चुअल, ये जो है ये एक्चुअल पैंथेरा है। वो आपको वो पैंथर इरप्शन जो है और पैंथेरा के बीच में बहुत सारे डिफरेंस है। अच्छा, ये डिफरेंस थोड़ा बोलिएगा ना, मेरा मन में अभी आ रहा था। इरप्शन और फिर पैंथर में डिफरेंस क्या होता है? ये पैंथेरा को अगर आप फोकस करेंगे, इसका जो मतलब पैटर्न जो है उसको आप देखिए थोड़ा, इसमें डायमंड तरह का पैटर्न है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए इसका जो पैटर्न है, ये पैटर्न थोड़ा सा क्रॉस पैटर्न है ऐसा। ओके, ठीक है। और पैंथेरा इरप्शन जो होगा उसमें ऐसा पैटर्न नहीं रहेगा।
और वो पैटर्न रहेगा उसका मतलब वो पैंथेरा है। ये कोई कोई जगह पे थोड़ा क्रॉस दिख रहे हैं तो वही पैंथेरा का पहचान है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सामने देखिए वो तीन तरह का पैटर्न होगा, ऊपर में आएगा थोड़ा सा बड़ा राउंड साइड राउंड शेप का होगा, उसके बाद वो बीच में आएगा आपका डायमंड वाला, हाँ जिगजैग, एग्जैक्टली जिगजैग वाला पैटर्न, एकदम नीचे वो थोड़ा डॉटेड पैटर्न आ जाएगा, वो एक्चुअली पैंथेरा होता है। ये हेगल क्रॉस भी एक दो पीस है, टाइगर टर्कवाइज है, नेबुला है, ये सब नेबुला है। हाँ 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 हाँ, और एक दो पीस है आपका ये लो, यहाँ पे देखिए रेफ्लेशिया भी है इसमें, ये बहुत डिमांडिंग स्ट्रेंथ है, बहुत कम आता है, ये है क्यूडीपेरा रेड वाइल्ड क्रॉस, बहुत बहुत कम सेलर के पास आपको ये मिलेगा, और ये है प्रॉपर ब्लू फेस दुरिम रेड कवर मार्क 10 का, और ये जो क्यूडीपेरा रेड क्रॉस जो है ये है ट्रॉपिकाना पेनांग मलेशिया का। अच्छा नीचे, हाँ ये थोड़ा सा छुप गया ये पीछे, ये जो ये भी मार्क 10 का मिक्स ब्लूज है, वहाँ पे जो पहले ही मैंने जो दिखाया था उसका थोड़ा सा बड़ा साइज का है, ये है 3.5, ये ऑलमोस्ट 3.75 to 4 इंचेस बॉडी साइज का होगा ये सब। इसमें भी मिक्स ब्लूज है, ब्लू कोबाल्ट है, स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन स्नेक है, और आपका एक दो पीस टर्कवाइज भी है इसमें। ये जो है ये एल्बिनो स्टॉक्स है, ये एल्बिनो बटरफ्लाई है, ये दोनों, ये है एल्बिनो कार्नेशन कहता है, एल्बिनो येलो है, ये एल्बिनो मिलेनियम गोल्ड, ये जो है एल्बिनो मिलेनियम गोल्ड, एक पीस चेकर बोर्ड भी है और रेड मेलन भी है, एक पीस प्लैटिनम यहाँ पे रखा गया है। नीचे का टैंगे भी आपको जो स्टॉक दिख रहा है, यहाँ पे आपका पंडा, हाँ मिक्स मिक्स स्टॉक्स है, हाँ इसमें मिक्स स्टॉक्स है, पंडा है, गैलेक्सी टर्कवाइज है, और वो आपका दूसरा रूम है। हाँ वो भी दिखा देता हूँ आपको, इसमें आपका रेड डॉल्स है थोड़ा बड़ा साइज का, एक्चुअली ये बहुत बहुत दिनों के बाद एक्चुअली मुझे मिला है, बहुत दिन से ढूंढ रहा था इसको, ये एक्चुअली मिल रहा था लेकिन ऐसा साइज का नहीं मिल रहा था, तो इस बार लग अच्छा है आपका भी है कि सामने कलर और एक हॉबीज के लिए ऑलरेडी ये 4 सिलेक्टेड हो चुका है, वो चले जाएगा इसी हफ्ते में, मतलब नेक्स्ट वीक में चला जाएगा, इट्स गोइंग टू दिल्ली। अभी ना प्लैटिनम का भी है, प्लैटिनम भी है इसमें, और आपका जगुआर है, ये जगुआर देखिए मार्किंग्स एकदम प्रोमिनेंट जगुआर मार्किंग्स ही है, एकदम परफेक्ट जगुआर्स है ये सब, और बाकी जो टैंक्स खाली है। अच्छा ये कौन सा फार्म से है? मार्क 10 का है ये सब, ये जो घर पे जितना भी स्टॉक्स है सब मार्क 10 का है ये। तो फ्रेंड्स आज हम लोग आए हैं एक खास जगह पे, कलकत्ता का एक हब साउथ कलकत्ता का, आज का वीडियो हो रहा है विद मिस्टर शुभंकर शाह ऑफ डिस्कस वंडर। एक दफा हम लोग भी आज जान लेते हैं एज टू ये डिस्कस वंडर में आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। So let's meet Mr. Shubhankar Shah. Shubhankar, hello. Welcome to the show. Welcome. Thank you. तो शुभंकर दा ये जरा बोलिएगा ना, देखिए ये तो हम लोग को देख के पूरा आपका फिशेज का जो स्टॉक्स देख के पूरा समझ में आ गया है कि आपका शुदाई से ये डिस्कस मॉडल इज लाइक मैंने ऑल स्ट्रेन्स में भी जितना स्ट्रेन्स आप सोच सकते हो, ऑल डिस्कस स्ट्रेन्स एंड ऑल जो बड़े बड़े जितने सर वर्ल्ड का पूरा फार्म्स और ब्रीडर्स होता है इट्स अंडर वन रूफ। ये फिर एक बार जरा बोल दीजिए मेरा सभी, एक्चुअली तो आपका कौन कौन सा आपका ब्रांड्स कौन कौन सा लेकिन इससे पहले और एक चीज बोलना चाहिए कि मेरा ये जो मैं पहले हॉबीज जैसा सब रहता है, सो वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ हॉबीस्ट 5 or 6 or 7 years ago maybe in discus, so one by one the number of discus was increasing, so I had to increase the number of tanks, so when the number of tank was 4, जैसा घर में होता है बीवी, अरे घर में डिस्कस रहेगा या फिर तुम, तो होते होते ऐसा एक दिन हो गया कि वो होता है, वो होता है एक्चुअली अपना इग्नोर कर सकते हो, यानी सभी हॉबीज का या तो सेलर का भी बोलिए बिल्कुल सबका हालत एक ही है। तो यानी ये मेरा थोड़ा सपोर्ट हो गया, मैं भी मेरा बिजनेस को सुनाऊंगा। जब 4 to 5 टैंक्स आने वाला था स्ट्रेट वे मेरे को बोल दिया डिसाइड कर लो घर पे तुम रहोगे या फिर मच्छी, सिर्फ 4-5 टैंक पे। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा, तो सोच लिया कि यहाँ हॉबी तो छोड़ नहीं सकता, बीवी को भी छोड़ नहीं सकता, तो क्या करें, तो एक अलग जगह रेंट पे ले लिया। रेंट लेने के बाद देखा कि हाँ वो हर महीना तो रेंट चली जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, मेरा जो है मेहनत है वो भी है,
तो उसी हिसाब से मैंने सेलिंग स्टार्ट कर दिया। ये है एकदम मतलब आपका जो बोलूँ इसका का सेलिंग में मेरा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ ऐसे ही हुआ है। शुरू से मैंने जो फोकस किया था माय एक्सट्रीम फोकस वाज दैट आई विल कीप ओनली ब्रांडेड डिस्कस ऑब्वियसली। व्हाई ब्रांडेड एवरीबॉडी विल आस्क व्हाई ब्रांडेड व्हाई नॉट एनी फ्रॉम एनी अदर फ्रॉम नो आई एम नॉट सेलिंग नॉट टेलिंग दैट इंडियन फिशेज आर बैड बॉड इंडियन फिशेज आर नॉट अप टू द मार्क नथिंग एल्स बट द मेन इश्यू इज मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग देम टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड व्हाट आई फेल्ट पर्सनली। So that's why I thought that when I am studying and I am keeping discuss with some big with big brands, so why shouldn't I sell for the big brands? तो ऐसे होते होते पहले मार्क ट्वेन से शुरू किया था मैंने, उसके बाद जैसा आपका रॉबर्ट लिम का भी है मेरे पास स्टॉक्स, अपने जैसा दिखाया था आपको विंसन लू का है, आपका बेडावी एक्वेरियम मतलब टेडी डिस्कस का है, इंडोनेशिया का इंडियन डिस्कस का स्टॉक्स है मेरे पास, और फिलहाल तो एनए का स्टॉक्स वो भी मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ, और इसी एक दो दिन में शायद एक दो दिन या फिर तीन दिन में आ जाएगा मेरे पास मच्छी जो है। ना का स्टॉक्स क्या है, आप पहले बार आप ला रहे हो? हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम एक्चुअली, यानी एक और एडिशन हो गया है। हाँ हाँ हाँ, यानी पूरा का पूरा आपका इम्पोर्टेड डिस्कस, कोई इधर में इंडियन डिस्कस आपका ही नहीं। देखिए मैं जैसा पहले आपको बोला था कि इंडियन डिस्कस का मतलब ये नहीं है कि वो डिस्कस खराब है, इंडिया में बहुत अच्छा अच्छा फार्म्स है जिसका डिस्कस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जब देखा था कि ये कहाँ का इंडिया का है या फिर बाहर का है, जब मैं ये जो बाहर का है बाहर का जो मच्छी है इंडिया में होता है दो तीन फार्म का मच्छी अच्छा होता है, लेकिन हर फार्म का हर मच्छी अच्छा नहीं होता है, और ये जो वेरिएशंस है ये हमेशा इंडिया में मिलेगा ऐसा भी नहीं हो सकता है, तो उसी लिए बाहर में क्या होता है बहुत सारे स्ट्रेंथ्स है, हर दिन उसका रिसर्च हो रहा है, तो उसके हिसाब से मच्छी का जो जेनेटिक्स है उसका भी बदल आ रहा है बहुत तुरंत, और बहुत बेहतर मच्छी मिल रहा है। इंडियन डिस्कस और लाइक जो इम्पोर्टेड डिस्कस होता है, हाँ, तो इसमें आपका बहुत ही आपका मैंने क्वालिटी का बहुत फर्क है, या तो फर्क है तो कितना फर्क है आपको लगता है? देखिए एक्चुअली नहीं, अच्छा इंडियन डिस्क लेंगे तो उसका प्राइसिंग ऑलमोस्ट इम्पोर्टेड डिस्कस का बराबर हो जाएगा। क्योंकि उसका रेजिंग करने का जो मेहनत जो होता है वैसा मेहनत बहुत कम लग करता है, उसीलिए इंडियन डिस्कस ग्रो नहीं करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो मेहनत जो होता है वो हर लोग नहीं करता है। तो जब आप एक मच्छी लेंगे आप मच्छी का क्वालिटी देख के लेंगे, आपका मन में कि क्या रहेगा, अच्छा ये और एक्चुअली आपको ये तो होता ही है कि ये इम्पोर्टेड है बड़ा फार्म से है, इसका मतलब आप एश्योर हो सकते हैं ये मच्छी अच्छा होगा ही होगा ही होगा। आपके हिसाब से कौन सा फार्म वर्ल्ड का शायद बेस्ट ऐसा बोलना है तो मैं बोलूँगा मेरा जो जितना भी डिस्कस है किसी भी फार्म से नहीं है, वो सब डिस्कस पंडर का फार्म है, मैं तो ऐसे बोलूँगा क्योंकि मैं बहुत सीधे आपके हिसाब से कौन सा फार्म वर्ल्ड का शायद बेस्ट ऐसा बोलना है तो मैं बोलूँगा मेरा जो जितना भी डिस्कस है किसी भी फार्म से नहीं है, वो सब डिस्कस पंडर का फार्म है, मैं तो ऐसे बोलूँगा क्योंकि मैं बहुत सिलेक्ट पीस लेके आता हूँ, ऐसा नहीं कि हर फार्म का हर मच्छी अच्छा नहीं होता है, कि जो मार्केट का जो रेट्स है वो मुझे ऐसा लगा कि हाँ बहुत बहुत कम में वैसा रेट्स मिलता है मुझे लगा, जैसा इंडोनेशियन हेकल्स मैं वैसा हेकल्स दूसरा कई जगह पे नहीं देखा मैंने, और ये जो रेफ्लेशिया मेरा पीछे जो ये है जो रेफ्लेशिया ये मार्केट का सिग्नेचर स्ट्रेन है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा वो जो स्ट्रेन है बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत डिमांडिंग स्ट्रेंथ भी है, और ऐसे ही आपका जो विंसन लू का जो साइज़ होता है वो जो ऑलमोस्ट 8.5 इंचेस, वन ऑफ माय कस्टमर जस्ट हियर, वन ऑफ माय फ्रेंड ही इज ऑल्सो माय सपोर्टर, प्लीज वेलकम दीपेंद्र, प्लीज प्लीज एक्चुअली एक्चुअली ही इज माय फ्रेंड दीपेंद्र, एक्चुअली ही हैव टेकन अ फिश, द साइज ऑफ द फिश वाज ऑलमोस्ट 9 inches, नॉट मे बी 9.5 इंचेस विथ टेल, सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ साइज विंसन लू प्रोवाइड्स। So regarding size, if you ask me which farm is the best, I will say Winston Lu. Could you just
show that 9-inch ye okay I do have send it to me okay well, surely surely I will send it to you then according to the water level you are seeing what kind of water level I am maintaining it's almost 16 inches of water level so the fish was almost of this size including fins so actually he calls it thala say that 9 inches like thala. Yeah big plate it's actually anybody you like to introduce in your among your team yeah but last but not the least he's Vijay Pandey his name and he's in maintenance of this entire store of mine kuch hi jan se suno ki abhi discuss ka wo market raha hai nahi people are buying it cheap fishes like widows and all ye kahan tak sach hai नहीं देखिए वो ऑलमोस्ट एवरी मंथ अभी मेरा इंपोर्ट आ रहा है ठीक है इंपोर्टेड फिश ऑलमोस्ट एवरी मंथ नहीं अभी तो हर महीने में मेरा आ रहा है मेरा अक्टूबर से शुरू करके अक्टूबर में आया नवंबर में आया दिसंबर में आया जनवरी में आया फरवरी में आया मार्च में भी आया अप्रैल में भी आया मई में भी आने वाला है तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हाँ हो सकता है कि हर टाइम ऐसा कुछ है कि लास्ट दो साल से पूरा डिस्कस का या तो जो मैटर इज नॉट लाइक दैट हु ट्राइज फॉर क्वालिटी विल एवरी टाइम विल लुक फॉर क्वालिटी एंड हु इज लुकिंग फॉर चीप मे बी आई एम नॉट टेलिंग इन डोंट टेक इट अदर वेज एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि हर किसी के पास ऐसा बजट नहीं होता है कि मेरे पास ऐसा पैंथेरा भी है एक्चुअली अपने मैंने दिखाया था आपको सुपर पैंथेरा शो ग्रेड्स आर ऑब्वियसली एक्चुअल सुपर पैंथेरा जो है बियॉन्ड देयर रीच बहुत एक्सपेंसिव एज ऑफ नाउ बट श्योरली बजट नहीं होता है ऐसा मच्छी ऐसा महंगा मच्छी लेना है डिस्कस की फिर वन डे कभी ऐसा भी होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग भी है जिसके पास पॉकेट मनी से एक्चुअली क्वालिटी मैटर्स तो ये पॉसिबल नहीं होता है उसके पास कि वो एक इंपॉर्टेंट डिस्कस ले लेगा क्योंकि सो आई विश मिस्टर शुभंकर होल लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट थैंक यू सो हैप्पी डिस्कस कीपिंग टू ऑल ऑफ यू थैंक यू एंड फ्रेंड्स मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और एनकरेज करते रहिएगा ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊँ